सुपर सिक्सर में अब आपको सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं, क्योंकि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। एक दिन में 12,000 केस और 29 लोगों की जान जा चुकी है, जो बता रहा है कि अगर आप सावधान नहीं रहे तो फिर से कोरोना का शिकार बन सकते हैं। 4 मिनट की रिपोर्ट में देखिए किन किन राज्यों में इस वक्त कोरोना के खतरे की घंटी बज रही है। साफ था वायरस की बढ़ी रफ्तार, वायरस प्रहार एक दिन में स्पीड 12,000 के भी पार। लापरवाह मत होना, फुल स्पीड में कोरोना। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 29 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवाई। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार जो वेरिएंट फैल रहा है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 10,827 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और ये आंकड़ा बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो चुका है। इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर हैं, यहाँ पर कई कोविड के जो मरीज हैं वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जा रही है दिल्ली में, जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% से ज्यादा पहुँच चुका है। महाराष्ट्र में कोविड 19 के 1,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल हो रहा है। दिल्ली में भी रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत NCR के अन्य इलाकों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भले ही इजाफा हो रहा हो, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में, बस लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ देखिए, ऑब्वियसली जो वायरस तो सेम ही है, उसी के वेरिएंट हैं, तो जो कुछ हम अभी तक सावधानी बरतते आए हैं 2020 से जब ये स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक, हमें सारी सावधानियां बरतते रहना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ के इलाकों से थोड़ा सा बचना चाहिए हमें ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं। और अगर आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और डॉक्टर की एडवाइस से एक टेस्टिंग करवानी चाहिए हमें। दरअसल इस बार इन्फ्लुएंजा का नया वायरस H3N2 ज्यादा कहर बरपा रहा है, जो H1N1 के मुकाबले ज्यादा खतरनाक भी माना जा रहा है। इस बीमारी में मरीज को बुखार, गले में इरिटेशन, एक्सट्रीम हालत में निमोनिया हो जाता है। इन्फ्लुएंजा की तरह कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 भी संक्रमण के मामले में ज्यादा खतरनाक है, खासकर गर्भवती, बुजुर्ग, हाई BP, डायबिटीज, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए इन्फ्लुएंजा और कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है। 24 घंटे में 12,591 केस, 10,827 मरीज रिकवर भी हुए। देश में 65,286 एक्टिव केस हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.46% हो चुकी है। 24 घंटे में वैक्सीन की 574 डोज लगी है। सबसे ज्यादा केरल में 3,117 केस मिले, दिल्ली में 1,767 मरीज मिले, महाराष्ट्र में 1,100 केस मिले। ये आंकड़े डराने वाले हैं। डॉक्टर कोरोना के बढ़ते केस के पीछे ओमिक्रॉन के XBB.1.16 वेरिएंट को बता रहे हैं, जो ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। सवाल ये है कि इस बार कोरोना जैसे दैत्य का सामना करने के लिए दिल्ली और देश के अस्पताल कितने तैयार हैं? कोरोना और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरकारें अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी 24 घंटे हालात की निगरानी करने के निर्देश दिए गए, साथ ही अस्पतालों में जरूरी आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए गए। लेकिन जो सक्रियता या जागरूकता आम लोगों में होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए आपको जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन।